महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न और घटनाओं के रोकथाम के लिए एवं लंबित वादों के निस्तारण के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी शुक्रवार को गोरखपुर पहुंची और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता से मुलाकात की और उनके साथ बैठक करके महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर की गई कार्यवाही की समीक्षा की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने कहा, हेलो, राइट डिले हो गई थी उसमें, वो बैग के अंदर वो टूट गया। ये एक्टिविटी व्यक्तिगत है या फिर नहीं? व्यक्तिगत नहीं, ऑफिशियल विभाग से संबंधित केसेस हैं जो गोरखपुर से संबंधित हैं। मैं उसकी इंक्वायरी में आई हूँ, एटीआर हमने मांगा है तो हम सबके साथ डिस्कशन करेंगे। हमने सारी लिस्ट भेजी है कुछ केसेस की, उस पर हम बात करेंगे कि उसमें क्या प्रोग्रेस है। क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हूँ और जहाँ जिस जिले में जाती हूँ वहाँ से संबंधित अगर मामले होते हैं तो उनका निष्पादन त्वरित हो जाए, इसकी हमारी कोशिश रहती है। तो यहाँ जो पिछले 2 वर्षों के केसेस कुछ पेंडिंग थे उन्हीं के बारे में मैं बातचीत करने के लिए आई थी। और अच्छी बात यह है कि लगभग सभी केसेस का निष्पादन हो गया है, उसमें कुछ केस रह गए हैं जिनकी रिपोर्ट्स अभी नहीं आई हैं। 11 मामले ऐसे हमारे सामने आए हैं जिनको कल हम देखने वाले हैं और मेरी कोशिश ये है कि गोरखपुर में जितने भी राष्ट्रीय महिला आयोग के केसेस हैं उनका निपटारा मैं करके जाऊं। तो कल जो 11 मामले हमारे सामने आएंगे उनका निपटारा करने की कोशिश करूँगी। देखिए, हमारी कोशिश ये है राष्ट्रीय महिला आयोग की कि महिलाओं को न्याय मिले, सम्मान के साथ न्याय मिले। जब न्याय की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है तो उनका सम्मान कहीं ना कहीं उसमें बाधित होता है। तो हमारी अपनी कोशिश है कि महिलाओं को सम्मान के साथ न्याय मिले और त्वरित न्याय मिले ताकि उनका सम्मान भी बरकरार रहे और उनको न्याय भी मिल सके, न्याय प्रणाली पर लोगों का विश्वास बढ़े। ये हमारी अपनी कोशिश है और इसी के लिए आज हम यहाँ गोरखपुर में पहुँचे हुए हैं। कल कोई स्कूल में भी आपका कार्यक्रम है? हाँ, कल एडी कॉलेज में एक कार्यक्रम है और उसके बाद फिर हम इन सारे पेंडिंग मामले जो हैं हमारे सामने हैं उनका निपटारा करेंगे। सर्किट हाउस